मैं हूँ आपकी और मैं मतलब उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रही हूँ एक सजेस्टेड वीडियो है। मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि मुझे अंकित अवस्थी की वीडियोस देखने चाहिए। तो खैर मैं बेसिकली इनके बारे में नहीं जानती थी। मैं पहले कमेंट बॉक्स में भी इनका पहली दफा नाम पढ़ रही थी। मुझे नहीं पता कि ऐसा भी कोई बंदा है दुनिया में और वो भी उनकी स्टडी और बैकग्राउंड क्या है। तो उनके बारे में जब मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इन्होंने एमएससी की हुई है और आईआईटी कानपुर से इन्होंने पास आउट हुए हैं। इन्होंने बीट एमटेक के अंदर और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सेंसिबल और एजुकेटेड पर्सन है। इनका 12 साल से प्लस इनका एजुकेशन, इनका बैकग्राउंड है, इनकी लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल है। और उसके अलावा अगर आप इनको जानना चाहते हैं इंस्पायरिंग इंडिया के बारे में इनसे जानना चाहते हैं तो आप इनको अंकित इंस्पायर इंडिया यूट्यूब चैनल है वहाँ आप इनको फॉलो कर सकते हैं। आप इनको फॉलो कर सकते हैं फॉर स्टडी पर्पस इन अपनी पाठशाला और आप इनको फॉलो कर सकते हैं बातें बाजार की में फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी। अगर आप बिजनेस रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं और अगर आप इनके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इनके अंकित अवस्थी व्लॉग को भी फॉलो कर सकते हैं और आप इनके बारे में जान सकते हैं। तो चलते हैं इनकी वीडियो जिसपे हम रिएक्ट करते हैं और उस पर अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। तो जी वीडियो का टाइटल है फास्ट फूड शो स्लो पॉइजन बाय अंकित अवस्थी। अंकित इंस्पायर इंडिया यूट्यूब चैनल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका यूट्यूब चैनल है वहाँ उसकी ये वीडियो है। पर आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और मुझे मोर मोर इन्फॉर्मेटिव और मोर मोर टैलेंटेड पर्सन के बारे में सजेस्ट किया करें। जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे अंकित अवस्थी के बारे में सजेस्ट किया तो मैं आज इनकी वीडियो पर रिएक्ट कर रही हूँ। अगर आप मुझे चाहें तो YouTube पे सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे Insta पे फॉलो कर सकते हैं, वहां आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स चेक द वीडियो। नमस्कार साथियों, भोजन हमारे जीवन का आधार है जिसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते और भोजन ही वह मूलभूत आवश्यकता है जिसने मानव समाज को जंगल में शिकार करने वाली जाति से धीरे धीरे कृषि और अनाज उत्पादन की ओर अग्रसित किया है। आज तमाम रिसर्च भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि संतुलित आहार, इंग्लिश में कहें तो बैलेंस्ड डाइट, यानी कि फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है और ये बैलेंस्ड डाइट डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज से बचने में हमारी मदद करता है। लेकिन क्या हो अगर यह भोजन ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए और हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने की जगह खुद बीमारी का कारण बन जाए। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आज के दौर में हम खाने के नाम पर फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना रहे हैं तो इसके परिणाम भी बिल्कुल उलट देखने को मिल रहे हैं। इस बात को आप अप्रैल 2019 में द गार्जियन न्यूज़पेपर में छपी एक रिपोर्ट से समझ सकते हैं जिसमें एक स्टडी का जिक्र करते हुए कहा गया कि दुनिया भर में तंबाकू के सेवन से होने वाली मौतों की संख्या खराब फूड हैबिट्स के कारण होने वाली मौतों की संख्या से कम है। जी हाँ, स्टडी में बताया गया कि खराब डाइट के कारण होने वाली डिजीज के चलते एक साल में दुनिया भर में लगभग 11 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई जबकि तंबाकू का सेवन करने से होने वाली बीमारियों से लगभग 9 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। और अब अगर हम केवल भारत के विषय में बात करें तो स्थिति और ज्यादा खराब दिखती है। जी हाँ साथियों, सितंबर 2023 की एक रिपोर्ट में BMC द्वारा WHO के साथ मिलकर किए गए एक सर्वे में मुंबई में रहने वाले लोगों का हेल्थ डेटा जब इकट्ठा किया गया तो कुछ जानकारी मिली और जानकारी थी जिसमें पता चला कि खराब फूड हैबिट के कारण 46% मुंबई वाले ओवरवेटेड हैं, 12% लोग मोटापे के शिकार हैं, 19% डायबिटिक हैं और 34% को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। इसके अलावा जुलाई 2021 में PIB में एडवर्ड इफेक्ट ऑफ जंक फूड पर दी गई एक रिपोर्ट में ICMR द्वारा बताया गया कि जंक फूड के बढ़ते सेवन से भारत के लोगों में डायबिटीज, हार्ट डिजीज और लिवर से संबंधित बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि फास्ट फूड हैबिट से होने वाली क्रॉनिक डिजीज का प्रतिशत 1990 में 30% था जो साल 2016 में बढ़कर 55% हो चुका था। वहीं अप्रैल 2019 की रिपोर्ट से पता चलता है कि खराब फूड चॉइस की वजह से अकेले भारत में हर साल लगभग 1.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हो जाती है जो दुनिया भर में दूसरा सर्वाधिक है। 3 करोड़ मौतों के आंकड़े के साथ चीन पहले स्थान पर है। इसके साथ ही आज के समय में भारत डायबिटीज कैपिटल बनने की बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन समस्याओं के होने के बाद भी भारत में फास्ट फूड इंडस्ट्री का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है जो खास तौर पर युवा लोगों में बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर चिंता बढ़ाने वाला है और इस विषय में ज्यादा जानकारी ना होना इसका एक मुख्य कारण है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड के ऊपर विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। तो चलिए
शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बात का मार्केट साइज और हिस्ट्री समझते हैं। साथियों, भारत में फास्ट फूड स्टॉल की चेन और रेस्टोरेंट की शुरुआत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। बात है भारत के लगातार हो रहे नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या की। जिस समय आपको याद होगा 1991 के दौर में भारत के आयात के बिल अधिक थे, निर्यात के बिल कम थे और हमें चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसी स्थिति में भारत ने LPG रिफॉर्म्स अपनाए, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन अपनाए। इसके चलते भारत जो आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, इसने अपने दरवाजे विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिए, क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने LPG रिफॉर्म्स का प्रस्ताव भारत सरकार के सामने मंदी से उबारने के लिए ही रखा था। फिर क्या था, इन रिफॉर्म्स ने इकोनॉमी को तो रिफॉर्म किया ही, इकोनॉमी को क्लोज इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी बनाया ही, लेकिन साथ ही साथ भारत में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ने लगी। वैश्वीकरण के कारण बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज ने भारत की ओर रुख किया। अब क्योंकि इस रिफॉर्म के कारण विदेशी कंपनीज के लिए भारत में आना और यहाँ उद्योग स्थापित करना आसान हो गया था, तो फूड बेवरेजेस और रेस्टोरेंट चेन भी भारत में आने लगी। इसकी शुरुआत हुई KFC से। 1995 में बेंगलोर में KFC का पहला फास्ट फूड ब्रांच खुला। KFC भारत में पहली विदेशी फास्ट फूड चेन कंपनी थी जो भारत में आई। इसके साथ साथ ही अगले साल 1996 में जनवरी में आता है डोमिनोज, जून में पिज़्ज़ा हट और अक्टूबर में मैकडी यानी मैकडोनाल्ड भी दिल्ली और बेंगलोर में अपनी पहली ब्रांच ओपन करते हैं। आज ये चारों फास्ट फूड चेन भारत में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर होल्डर्स हैं। साल 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार डोमिनोज के भारत में लगभग 1700 ब्रांचेस हैं। वहीं मार्च 2023 तक मैकडी के 256 आउटलेट थे भारत में और वो अभी 56 शहरों में मौजूद थे, जबकि KFC के 819 और पिज़्ज़ा हट के 413 ब्रांचेस पूरे भारत में मौजूद हैं। वहीं अगर इसके बाकी सारे फास्ट फूड चेन्स के ब्रांड्स के नंबर को भी ऐड कर दिया जाए, जिसके भारत की ब्रांड भी शामिल हैं, तो भारत में मौजूद फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स की संख्या 93,000 के पास पहुंचती है। इनका यह नेटवर्क कितना तेजी से बढ़ रहा है, इसका अंदाजा आप इकोनॉमिक टाइम्स की इस रिपोर्ट से लगा सकते हैं, जिसमें बताया गया कि साल 2027 तक मैकडी अपनी 600 नई ब्रांच भारत में खोलने जा रहा है। यानी कि बड़े शहरों के साथ साथ छोटे टाउन्स के लोगों को भी अपनी फास्ट फूड चेन का कस्टमर बनाने की पूरी तैयारी है। अब अगर इनके रेवेन्यू पर एक नजर डालें, तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में साल 2024 का फास्ट फूड सर्विस रेस्टोरेंट का मार्केट 25.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहेगा, जो कि 2029 में बढ़कर 38.71 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। वहीं 2023 में यह आंकड़ा 23.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। समझने वाली बात है, लेकिन यहाँ एक और जरूरी बात भी है। और हम भारत के फास्ट फूड मार्केट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम भारत में हर गली में लगने वाली फास्ट फूड इंस्टॉल को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में बड़े रेस्टोरेंट में फास्ट फूड खाने वालों की संख्या के मुकाबले गली नुक्कड़ पर मौजूद इन इंस्टॉल्स पर फास्ट फूड खाने वालों की संख्या काफी अधिक है। स्टैटिका की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2008 में पूरे भारत में लगभग 9,20,000 स्ट्रीट फूड इंस्टॉल थे, जो कि 2013 में बढ़कर 12,00,000 के करीब पहुंच गए थे। वैसे ये डाटा भले ही 10 साल पुराना हो, अगर हम इस संख्या को मल्टीपल्स में लें, कम से कम डबल भी अगर मान लें, तो 25,00,000 से ज्यादा स्टॉल हो सकते हैं। जहां बड़े बड़े फास्ट फूड पिज्जा, बर्गर, सबवे जैसे आइटम सर्व कर रहे हैं, वहीं छोटे छोटे फूड स्टॉल्स पर मोमोज, नूडल्स, टिक्की, गोलगप्पे जैसे फास्ट फूड आइटम्स बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा तीसरी चीज जो इन फास्ट फूड आइटम्स को और भी आसानी से अवेलेबल बना देती है, वो है ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। साथियों, टूल ऑफ मार्केटिंग के रूप में 2014-15 के बाद जब इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ी, तो भारी बढ़ोतरी के साथ मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स काफी ज्यादा पॉपुलर हुए। और इस बात को आप इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट से अच्छे से समझ सकते हैं, जिसमें भारत में तेजी से बढ़ते ऑनलाइन फूड सर्विस मार्केट के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार जहां साल 2016 में ऑनलाइन फूड सर्विसेज का मार्केट साइज केवल 0.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, वो साल 2025 तक 12.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। वहीं एक और दूसरी रिपोर्ट में दावा किया गया कि जो ऑनलाइन फूड सर्विस साल 2022 में 5.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, वो साल 2028 तक 29.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा। साथियों, फास्ट फूड रेस्टोरेंट और ऑनलाइन फूड डिलीवरी का बढ़ता ये नेटवर्क साफ तौर पर इस बात को स्पष्ट करता है कि भारत में खास तौर पर शहरों में रहने वाले लोगों की लाइफ में फास्ट फूड अब डेली खाया जाने वाला भोजन की श्रेणी में आ गया है। अगर इसके कारणों को और भी गहराई से जाना जाए, तो ये ज्यादातर वे युवा हैं जो नौकरी, पढ़ाई के लिए फैमिली से दूर हैं, जिन्हें खाना बनाना आता नहीं है या खाना बनाने में परेशानी होती है।
और यही लोग इस फास्ट फूड चेन्स और ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज के सबसे आसान शिकार होते हैं, जिन्हें लुभाने के लिए क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का यूज किया जाता है, जिन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और अपने कस्टमर को हर तरीके से सहूलियत दी जाती है, जैसे आधी रात को भी डिलीवरी सर्विस का उपलब्ध होना। ऐसे में बड़ा आसान और सुविधाजनक माध्यम होता है कि फोन से ऑर्डर करके खाना सीधा आपके दरवाजे पर आ जाता है। फिर भले ही क्यों ना वो खाना आपके लिए स्लो पॉइजन का काम कर रहा हो, धीरे धीरे आपको भयानक बीमारियां दे रहा हो, इन सारी बातों को आज हम लोग आरामदायक और सुविधाजनक जीवन की आड़ में नजरअंदाज कर रहे हैं। अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड हमें डायबिटीज, हार्ट डिजीज और शुगर जैसी प्रॉब्लम दे कैसे रहा है? किन केमिकल्स और नुकसानदायक इंग्रेडिएंट्स का उपयोग करके इन्हें ज्यादा स्वादिष्ट और एडिक्टिव बनाया जाता है, जिससे कि आप बार बार फास्ट फूड खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं? तो चलिए जानते हैं। सॉल्ट, फैट और शुगर, ये तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा स्टिमुलेट करते हैं और हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा एडिक्टिव होते हैं। यहां तक कि शुगर एडिक्टिव को कोकेन के एडिक्शन के बराबर माना गया है। जहां एक और कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, बेकरी प्रोडक्ट्स में शुगर का यूज किया जाता है, वहीं दूसरी ओर पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, सबवे जैसे फूड आइटम्स में सॉल्ट और फैट को एडिक्टिव एलिमेंट्स के तौर पर यूज किया जाता है। इसे हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। साथियों, जो हमारी जीभ होती है ना, इसमें मिलने वाले स्वाद से होने वाले स्टिमुलेशन दिमाग में सबसे जल्दी पहुंचते हैं, मात्र 5 से 7 सेकंड में। वहीं नाक में जब कोई खुशबू जाती है तो उससे होने वाले स्टिमुलेशन को दिमाग तक पहुंचने में लगभग 10 सेकंड का समय लगता है। और जब हम एक्स्ट्रा सॉल्ट और फैट और शुगर से बने फास्ट फूड को खाते हैं तो इनके स्वाद और खुशबू से होने वाले स्टिमुलेशन के कारण हमारे दिमाग में कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं, जिससे हमारी बॉडी में डोपामाइन का स्तर बढ़ने लगता है और डोपामाइन का स्तर बढ़ने से हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है, प्लीजिंग हार्मोन है। फिर जब कभी भी आप फास्ट फूड के बारे में सोचते हैं या फास्ट फूड की खुशबू आपकी नाक में पड़ती है तो आपका दिमाग फिर से स्टिमुलेशन करने लगता है, जिससे आपको फास्ट फूड खाने की तीव्र इच्छा होने लगती है। एक तरफ सॉल्ट एलिमेंट का उपयोग फास्ट फूड को अडेक्टिव और टेस्टी बनाता है और एक ऐसा ही फ्लेवर टेस्ट एनहांसर है जिसे एक नाम दिया गया है अजीनोमोटो, जिसे चाइनीज नमक भी कहा जाता है। इसका उपयोग नूडल्स और फ्राइड राइस में फ्लेवर एनहांसमेंट में किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ फैट का यूज करके जंक फूड को ज्यादा खूबसूरत और स्टिमुलेटिव नेचर का बनाया जाता है। जंक फूड में यूज होने वाला यह फैट जानवरों की चर्बी से लेकर बटर, पाम ऑयल और वेजिटेबल ऑयल भी हो सकता है। अब अगर न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को देखा जाए तो मैक्सिमम फास्ट फूड में प्रोसेस्ड फूड को यूज किया जाता है, जैसे कि मैदा, ब्रेड, बन। प्रोसेसिंग की प्रक्रिया के दौरान ही ये प्रोडक्ट्स अपने न्यूट्रिएंट्स वैल्यू का लगभग 95% हिस्सा खो देते हैं, जिसमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन्स जैसे बेसिक और जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और अगर हम स्ट्रीट फूड स्टॉल की बात करें तो वो 2 कदम आगे ही दिखते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर मार्च 2019 में एक रिपोर्ट में बताया गया कि मध्य प्रदेश के इंदौर में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किए गए ऑपरेशन में जो सैंपल्स फूड स्टॉल से लिए गए थे, उनके परीक्षण से बात सामने आई कि पानी पूरी के साथ मिलने वाले पानी को ज्यादा स्वादिष्ट, स्पाइसी बनाने के लिए फूड वेंडर्स इसमें आर्टिफिशियल कलर्स और केमिकल्स का यूज करते हैं, जो कि पानी को एडिक्टिव बनाता है। सैंपल से यह भी पता चलता है कि ये फूड वेंडर्स पुदीने और स्पाइसेस की जगह टॉयलेट क्लीनर टार्ट्रिक एसिड का उपयोग करते हैं। वहीं नींबू और ब्लैक सॉल्ट की जगह पानी में ऑक्सैलिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं, क्योंकि इन सारे केमिकल्स को यूज करना उन्हें सस्ता पड़ता है और आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। स्ट्रीट स्टॉल का ज्यादातर मैदा से बने फूड प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिनमें बहुत अधिक मात्रा में फैट मौजूद होती है। और मोमोज के साथ खाई जाने वाली मेयोनीज का तो कहना ही क्या, जिसका नाम आपने भी जरूर सुना होगा, क्योंकि ये पिछले कुछ सालों में काफी फेमस हुई है। वेज मेयोनीज को दूध और रिफाइंड ऑयल को मिक्स करके बनाया जाता है। इसके अलावा तेल में बने फूड आइटम्स जैसे टिक्की, समोसा, कचौड़ी, जलेबी, छोले भटूरे, जिन्हें सुनकर ही मुंह में स्वाद आने लगता है, डीप फ्राई करने में उपयोग होने वाला ऑयल बहुत ही खराब क्वालिटी का होता है। आप ऐसे विचार कीजिए, हम में से ज्यादातर लोग रिफाइंड ऑयल, पाम ऑयल या वेजिटेबल ऑयल का उपयोग करते हैं और ये तीनों ही ऑयल को ना यूज करने की सलाह डॉक्टर्स देते रहे हैं। स्ट्रीट फूड स्टॉल पर यूज होने वाला ऑयल जब बार बार हीट किया जाता है तो उसमें गुड फैट कंपोनेंट खत्म हो जाता है, बैड फैट कंपोनेंट की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे आप सैचुरेटेड फैट भी कहते हैं, और ये हमारे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाने लगता है। अब अगर हम इन सब एलिमेंट्स के कारण हमारे शरीर पर होने वाले प्रभाव की चर्चा करें तो जैसे कि हमने पहले कहा कि इन सारे फास्ट फूड आइटम्स को जानबूझकर एडिक्टिव नेचर का बनाया जाता है, जिससे कि आप बार बार फास्ट फूड खाने की इच्छा रखें, और जब फास्ट फूड आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाता है तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होना शुरू हो जाते हैं, जिससे सबसे पहला इम्पैक्ट है मोटापा।
ज्यादा फैट और मैदा से बने फूड आइटम्स कंज्यूम करने से हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाकी बीमारियां जन्म लेती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, लिवर डिजीज और डायबिटीज, स्लो मेटाबॉलिज्म। साथियों, ज्यादातर लोग डायबिटीज को शुगर के उपयोग से कनेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। होता यह है कि जब हम ज्यादा फैट कंज्यूम करते हैं तो धीरे धीरे हमारी बॉडी में मौजूद ब्लड वेसल्स पर एक परत के रूप में फैट जमा होने लगता है, और फिर जब हम शुगर कंज्यूम करते हैं तो वह शुगर हमारी बॉडी की कोशिकाओं तक पहुंचने के लिए ब्लड वेसल्स के माध्यम से जाते हुए, ब्लड वेसल्स का जो फैट होता है उसके कारण वो हमारी बॉडी की कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाती, जिसका परिणाम ये होता है कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है और बाद में डायबिटीज का रूप ले लेता है। लेकिन फास्ट फूड खाने से होने वाली परेशानियों में सिर्फ शारीरिक स्तर तक ही इसे सीमित नहीं रख सकते, बल्कि इसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरे प्रभाव देखे गए हैं। मेडिकल न्यूज टुडे फरवरी 2023 में छपे एक आर्टिकल में बताया गया कि फास्ट फूड में बहुत कम न्यूट्रिशन होता है और कैलोरीज बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, और ज्यादा जंक फूड खाने से हमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की परेशानियां होती हैं, जिसमें बताया गया है कि ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, हार्ट ब्लड प्रेशर, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के साथ साथ जंक फूड का अधिक सेवन करने वाले लोगों में डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम्स की भी संभावना बढ़ जाती है। आर्टिकल में 2021 में हुई एक स्टडी में जानकारी दी है, जिसमें बताया गया है कि उस स्टडी में 322 मेल्स और 322 फीमेल्स को शामिल किया गया जिनकी उम्र 30 या उससे ज्यादा थी। स्टडी के अनुसार संतुलित डाइट लेने वाले लोगों को ग्रीन वेजिटेबल्स और नट्स को अपनी डाइट्स में लेते थे वो काफी पॉजिटिव और हेल्दी महसूस करते थे। वहीं दूसरी ओर सैचुरेटेड फैट और कार्बोहाइड्रेट से युक्त जंक फूड लेने वाले लोगों में मेमोरी और लर्निंग कैपेसिटी में ड्रॉप देखने को मिलता है, जो सीधे तौर पर आपकी एकेडमिक और प्रोफेशनल लाइफ की प्रोडक्टिविटी को कम करता है। जंक फूड का अधिक उपयोग आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और अल्जाइमर जैसी परेशानियां दे सकता है। इसके अलावा यह बात भी है कि खराब फूड हैबिट की यह आदत बच्चों में ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, खास तौर पर जब भारत को ध्यान में रखकर इस विषय को देखते हैं तो, और जब युवा लोगों की बात होती है तो उसमें बढ़ते डिप्रेशन और एंजाइटी की प्रॉब्लम से उनके मानसिक स्वास्थ्य के प्रति चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े भी सामने आते हैं। जुलाई 2022 की बीबीसी रिपोर्ट में यूनिसेफ वर्ल्ड द्वारा ओबेसिटी एटलस फॉर 2022 सर्वे में डाटा में बताया गया कि भारत में लगभग 2,70,00,000 बच्चे मोटापे के शिकार हैं। 2030 तक दुनिया भर में मौजूद प्रत्येक 10 बच्चों में से एक बच्चा भारतीय मोटा होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की अप्रैल 2023 की न्यूज रिपोर्ट में यूनिसेफ के द्वारा ही दी गई जानकारी से भारत के युवाओं में बढ़ते डिप्रेशन की समस्या का भी पता चलता है, जिसमें बताया गया कि दुनिया भर के 30 करोड़ लोग मानसिक समस्याओं से प्रभावित हैं और भारत में 15 से 24 साल की उम्र में प्रत्येक 7 में से एक आदमी डिप्रेशन की समस्या से जूझ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ जंक फूड का सेवन ही इसका कारण है, बल्कि डिप्रेशन की समस्या जेनेटिक के साथ साथ लाइफ स्टाइल से भी हो सकती है। लेकिन ये जरूर है कि जंक फूड आपकी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल का सबसे बड़ा कारण है, जिसका आपके मानसिक स्वास्थ्य पर नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। साथियों, कभी कभी जंक फूड खाना आपके एंजॉयमेंट का हिस्सा हो सकता है, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अगर आप महीने में एक दो बार बाहर खाना खाना पसंद करते हैं या फिर कुछ स्पेशल इवेंट्स पर हम बाहर जाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप सुविधा और आसानी देखते हुए फास्ट फूड को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना चुके हैं तो यह बात आपके लिए काफी नुकसानदायक हो सकती है। इस वीडियो के माध्यम से हमने जंक फूड और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बारे में आपको बताने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से मिली जानकारी से आपको हेल्प जरूर मिलेगी, और अगर यह जानकारी आपको काम की लगे तो सेशन को लाइक। मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं इस पर रिएक्शन देने के लिए ही तो बैठी हूँ। खैर, जो आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात की तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ से उस पर बात करती हूँ, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि मोस्टली जो कॉलेज गोइंग लोग होते हैं या हॉस्टलाइज होते हैं या वर्किंग क्लास होती है वो फास्ट फूड इसलिए प्रेफर करती है क्योंकि उनका टाइम बच जाता है कि खाना बनाना नहीं आता या खाना बनाने के लिए टाइम नहीं होता इस वजह से। क्योंकि मेरे साथ लास्ट ईयर से मतलब पहली बात तो ये कि आफ्टर माय मदर डेथ मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता था, जो सच्ची बात है। मेन खाना बनाना नहीं आता था, कभी कभार चाय बना लिए, छोटे मोटे जो घर के काम होते थे बस वही आते थे। और जब मेरी मदर की डेथ हुई तो खाना बनाना नहीं आता था, तो फिर बहुत कन्वीनियंट यही होता था कि बाहर से खाना मंगवा लो। उससे ये हुआ कि मेरी अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट हुए, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत निज़ाम चल रहा था, कभी कभार खा लिया कभी नहीं खाया। लेकिन जब मैंने जॉब स्टार्ट की बैंकिंग सेक्टर के अंदर, तो मैंने जॉब किया एज अ कैशियर, तो मेरा जो जॉब रूटीन थी वो 9 to 5 था, तो दोपहर का जो लंच होता था वो भी बैंक में होता था, बाहर ही होता था। तो वहाँ भी हम लोग कभी ऐसे ही होता था कि कभी समोसे मंगवा लिए हैं या कभी पकौड़े मंगवा लिए हैं या कभी बर्गर खा रहे हैं, कभी बिरयानी खा रहे हैं, कभी दही भल्ले खा रहे हैं, कभी फ्रूट चाट, मतलब इस तरह की चीज़ें जो थी वो बाहर से आप मंगवा रहे हैं या पास्ता टाइप चीज़ें,
उसके बाद आप घर वहां बार बार बैंक में चाय पिए जा रहे हैं, और उसके बाद आप जब घर आ रहे हैं, आप 6-7 बजे आप घर आ रहे हैं, तो इतनी हिम्मत नहीं होती है कि आप आके खाना बनाएंगे, तो फिर आप तब भी आप ऑर्डर कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम आपने बाहर से जो खाया और उसकी क्वालिटी जो होती है वो घर के खाने जैसी नहीं होती, और फास्ट फूड में जैसे सर ने एलेबोरेट किया तो उनमें ये बातें होती हैं। तो उससे ये मैं अपनी पर्सनल लाइफ से बात बता रही हूँ कि मतलब मेरा अपना वेट बढ़ना शुरू हो गया, मतलब अभी भी मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो जो मेरा वेट है मैं उससे 3-4 किलो मेरा वजन ज़्यादा ही होगा, कम नहीं है। और उसके बाद मेरी मतलब हर बंदा मुझे देख के कहता था माशाल्लाह हेल्दी हो रही हो, हेल्दी हो रही हो, मतलब मुझे खुद पर्सनली ये लगता था कि मैं मोटी हो रही हूँ। और क्योंकि मैं ज़्यादातर रात को 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद, चूँकि दिन में आपने खाना खा लिया है उसके बाद रात को भूख लग रही है, तो सबवे इस्लामाबाद में बहुत ईजीली आप सुबह 4 बजे तक रावलपिंडी के अंदर आपको सबवे का डिलीवरी आ जाती है 2:30-3 बजे तक, तो आप उनको ईजिली किसी भी रेस्टोरेंट में आप कॉल कर सकते हैं, आप उनको बुला सकते हैं। और उसके अलावा कुछ उनके ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो 4-5 बजे तक भी खुले रहते हैं, और उसके बाद फिर अगर वहाँ नहीं वो डिलीवरी ख़त्म हो जाती है तो फिर आप खुद जाके भी वहाँ जाके नाश्ता कर सकते हैं, आप निहारी खा सकते हैं। वो सब के सब जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी फूड्स हैं, जिससे ये होता है कि आप खा निहारी खा के आ रहे हैं और आप आके सो जाते हैं, और उसके बाद फिर आप दिन में 2-3 बजे सो के उठ रहे हैं, तो वो रूटीन जो होती है ना वो उससे फिर आपकी बॉडी के अंदर मतलब एक अच्छी रूटीन नहीं है। मतलब मैं अपनी पर्सनल बता रही हूँ कि मेरी लाइफ में बिल्कुल भी कोई एक्सरसाइज नहीं और कोई वो नहीं, बस खा रहे हैं और सो रहे हैं और काम बस कर लिया। उससे एंजाइटी और डिप्रेशन का तो खैर नहीं पता, लेकिन ये कि अब मेरा मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होना, गुस्सा, चिड़चिड़ापन मेरे अंदर अपने पर्सनली वो हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने 2023 से जो मेरा था 2022 और 2023 का जो था, मैंने इतनी स्वेयर एक्ने फेस की है कि मतलब मैंने डॉक्टर के पास मेडिसिन भी ली लेकिन उसका कोई भी हल नहीं निकला, मतलब अभी भी मेरे मुंह पे उसके कोई निशान बाकी हैं, जस्ट इस फास्ट फूड खाने की वजह से और इस रूटीन की वजह से। कि रहा रोज डेली की मेरी रूटीन थी, और अभी भी यानी कि जब से रमज़ान आया तो मैंने यानी कि मैंने कहा था कि मैं नहीं ऑर्डर करूंगा, लेकिन उसके बावजूद मैंने 2 दफ़ा मैं फिर भी ऑर्डर कर चुकी हूँ रात को, कि यानी कि अगर आप रात को ऑर्डर करो तो फिर सैरी करने में बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन फिर भी चूंकि वो एडिक्शन है, दिल करता है खाने को तो आप खाते हैं, और बस फिर उसका नुकसान होता है कि मेरे मुँह पर फिर से 2-3 दाने निकल आए खाने की वजह से। और उसका ये हुआ कि मैंने मतलब जो मेरी एक्नी का इशू आ रहा था तो मैंने अपने पूरे ब्लड टेस्ट करवाए मार्च के अंदर, तो उससे मुझे मैं प्री डायबिटिक भी निकल आई, जिसकी वजह से आजकल मैं फीकी चाय पीने की कोशिश, मैंने सिर्फ हफ्ता मैंने फीकी चाय पी है, और उसके बाद अब फिर मैं मीठी चाय के ऊपर आ चुकी हूँ कि भाई फीकी चाय नहीं पी जाती। तो खैर ये है कि मैंने आपको अपनी लाइफ से बताया कि इन चीज़ों का वाकई ही बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ भी यही था कि यूथ को चाहिए कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल करें, हेल्दी फूड खाना ज़्यादा बेटर है। अगर आप खाना नहीं बना सकते, अगर आपको कुछ भी बनाना नहीं आता, तो इट्स बेटर कि आप फ्रूट्स जो है ना, ये फ्रेश सैलड या फ्रेश फूड जो है ना, फ्रेश जूसेस वगैरह जो इजीली आप घर बना सकते हैं, प्रेफर ये है कि आप घर बना ले, नहीं तो आप स्टॉल्स वगैरह से वो, लेकिन वो गंदे होते हैं, इतने हाइजीन का ख्याल नहीं किया जाता, तो मेरे ख्याल से इस बेटर कि आप फ्रेश फूड्स वगैरह आप अच्छी तरह फलों को धो के, अगर आप जूस नहीं बना सकते तो आप उनको धो के आप उनको खा सकते हैं, सब्जियां वगैरह खा सकते हैं, लोग कच्ची सब्जियां भी खा सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है कि बजाय इसके कि आप पकौड़े समोसे और इस तरह की चीज़ें खाएं, ये आपको नुकसान करती हैं और इससे मतलब लॉन्ग टर्म आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ये मेरा पर्सनल अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आपकी सब तक इस बात से एग्री करते हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें, अल्लाह हाफिज़।